कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सांसद रविकिशन पर करारा हमला बोला है और पूछा है कि क्या राहुल गांधी को आवंटित बंगला प्रधानमंत्री मोदी जी के ददीहाल का बंगला है। दरअसल बीजेपी सांसद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा था कि ये मोदी जी का बड़प्पन है कि सजा पर रोक के बावजूद राहुल गांधी को बंगला आवंटित कर दिया गया। रवि किशन ने कहा, ये देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री और भाजपा का बड़प्पन कि आपकी सजा स्टे पर है फिर भी आपको बंगला दे दिया गया। कभी तो आपको अच्छे काम के लिए तारीफ करनी चाहिए। आप लोगों की घमंडिया पार्टी बनी है लेकिन फिर भी नए बंगले के लिए आपको बहुत मुबारकबाद। इस बात पर सुप्रिया श्रीनेत ने करारा हमला बोला और जवाब दिया, अपने ददियाल का बंगला दे रहे हैं मोदी जी। सांसद को बंगला जनता की वोट से मिलता है, मोदी जी की दया से नहीं। अकल से पैदल एक और भाजपा के शिरोमणि। बता दें कि मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राजस्थान कोर्ट की उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई थी। इस सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। इस कारण उन्हें आवंटित बंगला भी वापस ले लिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सांसदी बहाल हुई तो उन्हें बंगला भी आवंटित कर दिया गया। बीजेपी सांसद ने इसे मोदी जी का बड़प्पन करार दिया था जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए करारा जवाब दिया है।